नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे थे, ठीक है, वो उसमें तीन पार्ट था। तीनों पार्ट को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, स्वीडिश कंपनियां कैसे आई, उन्होंने अपना कैसे प्रभाव जमाया। और फिर हमने तीसरे वीडियो में देखा कि जो है जब फ्रांस और अंग्रेज का युद्ध होता है, कर्नाटक युद्ध होता है, उसके बाद कैसे सारे जो और अन्य यूरोपीय कंपनियां थी वो धीरे धीरे उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाता है, अर्थात केवल अंग्रेज ही उभर के सामने आते हैं। अब स्थिति ये हो गई थी कर्नाटक युद्ध के बाद, केवल अंग्रेजी कंपनियां ही भारत में प्रमुख रूप से व्यापार कर रही थी। अन्य कंपनियां भी कर रही थी, लेकिन वो अंग्रेज के अधीन होके कर रही थी, मतलब अब अंग्रेजों का ही पूरी तरह से शासन और व्यापारिक जो है अपना एकाधिकार जमा लिए थे। तो उसी क्रम में क्या होता है, बंगाल एक जो है बंगाल अपना जो है एक सूबा होता है। उस समय भारत में मुगल शासन था, मुगल शासन, ठीक है, मुगल शासन के अधीन जो है एक सूबा था बंगाल, ठीक है। तो वहां पे एक सूबेदार थे मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां जो है मुगल के सूबेदार के रूप में वहां पे काम कर रहे थे। वहां पे पूरा वो जो है बंगाल को देख रहे थे, और बंगाल से जो उनको जो है धन प्राप्त होता था, मतलब जो टैक्स प्राप्त होता था, वो जो है मुगल बादशाह को ले आके देते थे। ये काम था मुर्शीद कुली खां का, ये वो आराम से मतलब ईमानदारी पूर्वक कर रहे थे। मुर्शीद कुली खां 1717 से लेके 1727 तक सूबेदार रहते हैं। इसके बाद आते हैं सुजाउद्दीन, जो 1727 से 1739 तक सूबेदार के रूप में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका जो है एक उत्तराधिकारी होता है सरफराज। सरफराज जो है 39 से 40 तक जो है वहां पे काम करते हैं। फिर सरफराज की एक होते हैं अलवर्दी खां। कौन होते हैं? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां क्या करते हैं, सरफराज की हत्या कर देते हैं। कब करते हैं? तो 1740 में। यहीं से जो है बंगाल की कहानी चेंज होती है। अलवर्दी खां जो है सरफराज की हत्या करते हैं, इसके बाद स्वयं शासन करने लगते हैं, और 1740 से लेके 1756 तक वह वहां पे जो है सूबेदार के रूप में काम करते हैं। जो है अलवर्दी खां के कोई लड़का, मतलब कोई पुत्र नहीं था, उनकी जो है दो तीन पुत्रियां थी, और जब उनकी मृत्यु होती है, अलवर्दी खां की मृत्यु जब हो जाती है 1756 में, तब उत्तराधिकार को लेके वहां पे एक असमंजस की स्थिति बनती है। उसी बीच में जो है उनके अलवर्दी खां के पुत्री का एक पुत्र होता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है अपना वहां पे अधिकार कर लेते हैं बंगाल पे, मतलब वो वहां पे शासन करने लगते हैं। और इनकी जो है सिराजुद्दौला की जो और अन्य दो तीन मौसियां थी, वो लोग इस बात से नाराज होते हैं, कहते हैं कि इन्हीं का थोड़ा अधिकार था, हम भी अलवर्दी खां के जो है पुत्रियां हैं, तो हमारे पुत्र को भी यहाँ पे अधिकार मिलना चाहिए था। यही बात को लेके बंगाल में एक जो है टकराव की स्थिति बनती है, अर्थात सिराजुद्दौला को लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला इतना जो है वहां पे क्या नाम है, वहां पे इतना शक्तिशाली राज्य के शक्तिशाली जो है सूबेदार के रूप में उभरता है कि वह जो है अंग्रेज के जो अधीन था फोर्ट विलियम कॉलेज 1756 में उसको जीत लेता है, ठीक है, 1756 में उसको जीत लेता है। तो अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं ये परेशान हो जाते हैं कि ये सिराजुद्दौला हमारे लिए सिरदर्द बन सकता है, ठीक। उसी बीच में एक झूठी मूठी कहानी गढ़ी जाती है, ब्लैक होल की घटना। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ये अंग्रेजों के द्वारा जो है कहते हैं कि अंग्रेज इसको स्वयं जो है बनाए थे सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग उस पे नहीं जाते क्या विवाद था क्या सही था, लेकिन ये घटना क्या है इसको समझ लेते हैं, जो कि ब्लैक होल की घटना कहलाती है। और इसको किसने एक्सप्लेन किया था, तो हालवेल नाम के एक जो अंग्रेज थे, उन्होंने बताया कि ब्लैक होल की घटना क्या थी। उन्होंने बताया कि एक कमरा था, कमरे की जो है लंबाई चौड़ाई कितनी थी, 14 × 18,
का कमरा था, उसमें जो है 146 लोगों को जबरदस्ती भर दिया गया। ठीक है, जब सुबह कमरे को खोला गया तो बताते हैं कि उसमें 23 लोग जो है जिंदा बचे थे, और उन्हीं 23 लोगों में एक व्यक्ति हालवेल था। ये घटना हालवेल बताते हैं, ये कितनी सच्ची है इसका कोई प्रमाणिक जो है प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता तो हम लोग इसको देख लिए। इसके बाद क्या होता है कि बंगाल में जो है एक सिराजुद्दौला तो वहां पे शासन करने लगते हैं, लेकिन उनकी जो मौसी थी अंग्रेज और सारे लोग जो है कुछ और जो है वहां पे जैसे अमीन चंद्र व्यापारी थे, जगत सेठ थे, ये सब सिराजुद्दौला से नाराज चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि कहते हैं अंग्रेजों से मिल गए, कहते हैं कि सिराजुद्दौला को यहां से हटा दिया जाए, अर्थात उनको पराजित करके फिर दूसरे को शासन दे दिया जाए। तो उसी बीच में होता है, हाँ इसके पहले की ये घटना है अली नगर की संधि। क्या होता है कि ये जब फोर्ट विलियम कॉलेज को सॉरी फोर्ट विलियम की वो उसको जीत लेते हैं, तो वह लोग जो है अंग्रेज एक कहते हैं कि सिराजुद्दौला से एक संधि कर लेते हैं कि आप जो है अपना बंगाल देखो और हमको फोर्ट विलियम दे दो, हम जो है आपको नहीं परेशान करेंगे ना आप हमको परेशान करिए। तो अली नगर की संधि में ऐसा होता है, लेकिन अंग्रेज जो है उस संधि पे नहीं टिकते हैं, वो लगातार सिराजुद्दौला को परेशान करते रहते हैं कि जिससे कि युद्ध एक हो सके और हम जो है सिराजुद्दौला को जो है पराजित कर सकें। तब जो है क्या करते हैं कि अंग्रेज जो है जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर से मिल जाते हैं, और उनके दीवान जो थे दीवान का नाम था राय दुर्लभ से मिल जाते हैं। मतलब राय दुर्लभ से मिलने का मतलब यह होता है कि उनको अपने जो है तरफ मिला लेते हैं, और उनकी मौसी थी एक हसीदी बेगम उनको भी मिला लेते हैं। फिर दो अन्य लोग थे अमीन चंद्र और जगत सेठ, ये लोग जो है सिराजुद्दौला के विपरीत अर्थात विपरीत में खड़े होके अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और दो लोग ऐसे थे जो है मीर मदान और मोहनलाल, ये लोग जो है सिराजुद्दौला के साथ में खड़े थे। मीर जाफर जो है पहले से ये नहीं पता था सिराजुद्दौला को कि ये अंग्रेजों से मिल चुका है। जब युद्ध शुरू होता है तो मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करता है, जिससे ये युद्ध बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाता है और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। अंग्रेज इससे खुश होके मीर जाफर को बंगाल का क्या बना देते हैं, नवाब बना देते हैं। इसीलिए मीर जाफर को जो है लॉर्ड क्लाइव का क्या कहा जाता है, गीदड़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस पर गीदड़ रंग बदलता है उसी प्रकार जो है इसने भी अपना रंग दिखाया, और जो है सिराजुद्दौला के साथ जो है उसने विश्वासघात किया। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है, और जो है इसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और मीर जाफर को क्या है बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। कब होती है? 23 जून 1757 को। फिर क्या होता है, मीर जाफर जो है वहां के नवाब बन जाते हैं। 1757 से 1760 तक ये शासन करते हैं। अंग्रेज जो है यहाँ पे भारत में किसी की हितैषी नहीं थे, ठीक है, उनका मेन उद्देश्य था कि वो ज्यादा से ज्यादा धन कमा सकें और जो है अपने देश को मजबूत कर सकें। तो इसी क्रम में क्या होता है, जब मीर जाफर वहां पे शासन कर रहा था 1757 से 1760 के बीच में, फिर मीर जाफर का दामाद मीर कासिम अंग्रेजों के पास जाता है और कहता है कि आप हमें बंगाल का जो है नवाब बना दीजिए, हम जो है मीर जाफर से ज्यादा आपको जो है टैक्स देंगे। अंग्रेज को तो वही चाहिए था, उनको बस क्या चाहिए, उनको धन चाहिए था कि जहां से ज्यादा धन मिले हम उसको दे देंगे। तो मीर कासिम को जो है वो वहां का बना देते हैं नवाब। तो 1760 से लेकर 1763 तक मीर कासिम जो है शासन करता है, लेकिन मीर कासिम जो है बस सत्ता पा जाता है जब इसके बाद अंग्रेजों की बात बहुत मानता नहीं है। उसने पहला काम किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना ली। राजधानी मुंगेर दूर थी, जिससे क्या था कि अंग्रेजों का उस पे जो है ज्यादा अधिकार, मतलब अंग्रेज उस पे ज्यादा हस्तक्षेप ना कर सके, इसलिए मुंगेर बना लिया। और उसने एक काम किया, जैसे अंग्रेजी व्यापारी को बंगाल में छूट प्रदान था, टैक्स में छूट था, बहुत सारी उनके रियायतें प्रदान की थी, तो वो क्या किया मीर कासिम ने,
वो रियायतें भारतीय व्यापारियों को भी देना शुरू कर दिया। ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी, तो उसी में जब अंग्रेजों को ये बात खटकती है तो उसी बीच में एक अंग्रेज जो है, अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था एलिस, एलिस जो है मीर कासिम के पास आते हैं और कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको जो नवाब बनाया गया था इस काम के लिए नहीं, आप जो है भारतीय व्यापारियों को सहूलियत ना प्रदान करिए। मीर कासिम ये बात नहीं मानता है और 1763 में एक युद्ध होता है जिस युद्ध को कहते हैं पटना कांड, पटना कांड के नाम से ये जाना जाता है, जिसमें जो है एलिस को हार मिलती है अर्थात मीर कासिम जीत जाता है। ये बात जब अंग्रेजों के उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है तो वो जो है मीर कासिम को हटा देते हैं और पुनः जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। अर्थात 1763 से 65 तक मीर जाफर को पुनः जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब जो है बन के घूम रहा था, जब उसको वहां से हटा दिया गया तो वो पुनः अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाता है। जैसे वो जाता है अवध के नवाब के पास सुजाउद्दौला के पास जाता है, अपनी व्यथा कथा सुनाता है, कहता है कि भैया देखो वो हमको नवाब बना के भगा दिए और ऐसे धीरे धीरे करके वो अंग्रेज तो दूसरे देश के हैं, बताइए ये कैसा गलत कर रहे हैं, ऐसे अपना कहता है। तो सुजाउद्दौला कहते हैं ठीक है, हम लोग जो है मिलके उसको हराएंगे। फिर वो लोग चले जाते हैं मुगल बादशाह सुजाउद्दौला के पास, ठीक है, सॉरी शाह आलम द्वितीय के पास जाते हैं। शाह आलम द्वितीय से भी यही बात होती है और तीनों मिलके मीर कासिम सुजाउद्दौला, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय तीनों मिलके ये कहते हैं कि हम लोग मिलके अंग्रेजों का सामना करेंगे। और एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? बेंसी टार्ट थे और सेनापति के रूप में कौन काम कर रहा था? हेक्टर मिनरो काम कर रहे थे। युद्ध होता है, उस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत हो जाती है। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ता है। अभी तक जितने भी युद्ध अंग्रेजों ने लड़े वो जो है मेन फुट पे आके नहीं लड़े, मतलब खुद युद्ध नहीं किए, वो किसी का सपोर्ट कर रहे थे, किसी के। जैसे आप अभी देखेंगे प्लासी के युद्ध में, जैसा आपने देखा कि प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि ये जो है आगे नहीं आए, पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। इसमें जो है कई सारे लोग थे, जैसे मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये सारे लोग अंग्रेजों के साथ में थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, अंग्रेज स्वयं युद्ध किए तो इस युद्ध के बाद उनको लग गया, जब तीन तीन जो है सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मतलब मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब मिलके हमको नहीं हरा पाए तो भारत में जो है हमको अधिकार करने से कोई नहीं रोक सकता। यहां से उन लोगों का मनोबल काफी बढ़ता है और जो है वह अब भारत में जो है व्यापार के साथ साथ अधिकार करने की भी सोचने लगते हैं। तो क्या होता है कि इस युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत हो जाती है तो अंग्रेज जो है, जो ये सुजाउद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय थे, इनसे जो है एक संधि करवाते हैं जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में होती है। इसमें दो संधि होती है, मतलब दो, एक संधि होती है जो है मुगल बादशाह के साथ और एक संधि होती है अवध नवाब के साथ। तो जो मुगल के साथ होती है वो 12 अगस्त 1765 की होती है। इसमें क्या कहा जाता है मुगल बादशाह से कि अब तक जो है बंगाल आपके अधिकार में था, वहां पे सूबेदार या बंगाल के नवाब के रूप में कोई शासन करता था और आपको वहां से जो है टैक्स जाता था, लेकिन अब जो है बंगाल हमारे अधिकार में रहेगा, हम आपको कोई टैक्स नहीं देंगे, जो टैक्स मिलेगा हम खुद रखेंगे। इतना तो उन्होंने किया ही और कहा कि आप हमको 26 लाख रुपए जुर्माना भी देंगे जो आपने जो है मीर कासिम की सहायता की है, ठीक है। तो अब क्या करते, मुगल बादशाह हार तो गए हैं, इसके बाद उन्होंने उनकी शर्त मान ली। तो ये होता है 12 अगस्त 1765 को। उसके चार दिन बाद 16 अगस्त 1765 को अंग्रेज और जो है
अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच भी एक संधि होती है। उस संधि में कहा जाता है कि आप जो है इलाहाबाद और कड़ा, ठीक है, इलाहाबाद और कड़ा आप हमें देंगे, वहां से जो हमको प्राप्त होगा वो हम अपने पास रखेंगे, और जो है आप हमको 50 लाख रुपए जो है जुर्माने के रूप में देंगे। ये बात जो है सुजाउद्दौला मान जाते हैं। इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि बंगाल और जो है इलाहाबाद और कड़ा में जो है अंग्रेजों का अपना एक शासन हो जाता है। इस प्रकार जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेज एक जो है उत्तराधिकार के रूप में भी जो है अपना सोचने लगते हैं कि भारत में उत्तराधिकार हम लोग कर सकते हैं। तो आज हमने जो है देखा कि किस प्रकार से बंगाल पहले मुगल के अधीन था, फिर जो है क्या होता है, कैसे कैसे स्थिति बनती है कि वहां पे सिराजुद्दौला शासक बनते हैं, फिर प्लासी का युद्ध होता है, उस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाते हैं, फिर मीर जाफर बनते हैं, फिर कुछ समय के लिए मीर कासिम भी बनते हैं, फिर जो है फिर एक युद्ध होता है जो कि कहलाता है बक्सर का युद्ध जो है तीन लोगों ने मिल एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, सुजाउद्दौला अवध के नवाब और जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल के सामना नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजों की विजय हो जाती है, फिर इलाहाबाद की संधि होती है। इस प्रकार से बंगाल जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि बंगाल पे अब जो है अंग्रेजों का शासन हो गया। अब हम देखेंगे कि अंग्रेज धीरे धीरे करके मैसूर को कैसे अपने कब्जे में करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कर्नाटक तो ऑलरेडी आ चुका है, बंगाल भी आ गया, धीरे धीरे मैसूर आ जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों के जो है धीरे धीरे करके फिर क्या होगा, पूरे भारत पर अधिकार हो जाएगा। तो ठीक है मित्र, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि कैसे क्या है, कैसे होता है प्लासी का युद्ध, क्या स्थिति होती है, फिर बक्सर के युद्ध में होती है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।